होम्योपैथी क्लिनिक सत्री रोड सिलेट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथी ट्रीटमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सभी को कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये ब्रेस्ट मिल्क जो मदर मिल्क होता है जो कि इन्फेंट के लिए यानी कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और कैसे कैसे बच्चों को तमाम प्रकार के रोगों से यानी कि जो इम्यूनिटी को डेवलप करके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके तमाम प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति को प्रदान करता है। उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि प्रोटीन जो है 1.3 ग्राम पाया जा रहा है। दूसरा हम बता रहे हैं कि फैट जो है 4.2 ग्राम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 7 ग्राम पाया जाता है, इसीलिए साथ साथ सोडियम की बात कर रहे हैं 15 मिलीग्राम और कैल्शियम 35 मिलीग्राम और फास्फोरस की बात करते हैं तो 15 मिलीग्राम। आयरन जो है 76 माइक्रोग्राम एमसीजी पाया जाता है, इसके साथ साथ विटामिन ए 16 एमसीजी और विटामिन सी ये है 3.8 एमसीजी और विटामिन डी 0.01 माइक्रोग्राम पाया जाता है। इसी के साथ जो मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये अबाउट 35 मिलीग्राम पाया जाता है। अगर हम देखते हैं कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है ये बच्चे के लिए क्या होता है तो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक है, सस्ता भी है और दूसरी बात अगर हम करते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। अगर हम देखते हैं कि ये स्टराइल मिल्क है किसी टाइप का, इसमें इन्फेक्शन नहीं है, किसी टाइप का इन्फेक्शन भी नहीं है और एक टाइप का बच्चों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक फूड है। अगर देखा जाए कि इट इज आल्सो एन एंटी इन्फेक्टिव फॉर द इन्फेंट। एंटी इन्फेक्टिव मतलब कि किसी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसमें क्षमता होती है और इसके अंदर एक पीला पदार्थ भी पाया जाता है जो कि बर्थ के 5-6-7 दिनों तक माँ के या फिर मदर के मिल्क में पाया जाता है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो है ये कैसा होता है, थिक है यानी कि मोटा है और स्टिकी है, पेल कलर का है, येलो मिल्क होता है। ये क्या होता है, ये बहुत ही रिच इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है, इसके अंदर प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, साल्ट भी और विटामिन ए भी पाया जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और अगर आगे हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज बेनिफिशियल फॉर द इन्फेंट एज वेल एज मदर, यानी कि बच्चे के लिए भी और मदर के लिए जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले हम इट कंटेन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस फॉर द 6 मंथ ऑफ द बेबी, मतलब 6 महीने तक तो बच्चों को मदर मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। दूसरी चीज हम कहते हैं कि इट इज सुटेबल फॉर द प्रोटीन एंड फैट। तीसरी चीज है मोर लैक्टोज इसमें पाया जाता है, सफिशियंट विटामिन पाए जाते हैं, सफिशियंट आयरन पाए जाते हैं, सफिशियंट वाटर और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ साल्ट कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। इसमें जो फैट होता है, लाइपेज जो होता है, ये इजी डाइजेस्टेबल हो जाता है, अच्छे से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर देखा जाए कि ये बहुत आसानी से एसिमिलेटेड यानी कि इसका स्वांगीकरण भी यानी कि इसका जो तत्व है ये बॉडी में शरीर में बहुत आसानी से लग जाता है बच्चों को। आगे फिर हम देखते हैं कि ये बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। इट कंटेन एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन द मदर कैरीज। आगे फिर हम देखते हैं इट आल्सो प्रिवेंट द हेल्थ ऑफ इन्फेंट एंड रिकवर सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ द लाइफ। इट मेंटेन राइट बॉडी टेम्परेचर ऑफ द इन्फेंट। इट इम्प्रूव आईक्यू ऑफ द इन्फेंट, यानी कि जो बेहतरीन तरीके से बच्चे की बुद्धिलब्धि होती है उसको भी ये मेंटेन करता है। और क्या करता है, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक और डायबिटीज इन फ्यूचर लाइफ में भी बच्चे को हार्ट अटैक से या फिर डायबिटीज से मदद करता है, प्रमोट करता है उसके नॉर्मल ग्रोथ
भी बचाता है। अगर इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं कि मदर को क्या एडवांटेज है इससे, तो मदर के लिए यह रिड्यूस करता है यानी कि जो भी पॉसिबिलिटीज होती है ब्रेस्ट कैंसर का, यूटराइन कैंसर का या फिर सर्वाइकल कैंसर का, उसके रिस्क को क्या करता है, कम करता है। और इट आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस एंड यूटीआई, यानी मदर को यूटीआई एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जिसको कहते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि क्षण भंगुरता विटामिन और कैल्शियम विटामिन की कमी से, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है आफ्टर द मेनोपॉज, उससे भी बचने के लिए एक तरीके से ताकत प्रदान करता है। थैंक यू क्लास।